करोड़पति के ऑफिस से, केबीसी से, जिस लाख का सर लॉटरी लग चुका है। क्या अमिताभ बच्चन से बात करवा दो। हेलो सलाम नमस्ते, तो कैसे आप सब, होप करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, हमेशा की तरह एकदम खतरनाक होंगे। तो गाइस ये जो वाक्य मेरे साथ हुआ, ये कोई प्लान नहीं था, और ये जो इंट्रो है मैं बाद में बना रहा हूँ। सीन ये था, मैं बस में जा रहा था केजन को सामान देने, तो सडन मेरे पास फ़ोन आया, तो उस टाइम मैं उठा नहीं पाया। फिर मैंने बोला उनको मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हर किसी के साथ स्कैम हो रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो देखो फिर आगे क्या हुआ क्या नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अपने एक लाख सब्सक्राइबर होने वाले, बस थोड़े से बाकी, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो वीडियो पे ज़रा आगे देखो मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। हेलो हेलो, घर पहुँच चुके? हाँ जी मैम, मैं घर पहुँच गया। हाँ जी सर, मैं अभी आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के ऑफिस से? केबीसी से आप केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? भाई साहब मैम, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था मेरा हो जाए जैसे तैसे करके केबीसी में। हाँ, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से, आपका इस नंबर पे 25 लाख का सर लॉटरी लग चुका है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। को प्राप्त करने के लिए हम आपको हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप दे रहे हैं, मिस्टर राणा प्रताप सिंह का। जी जी जी। उस नंबर को अपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कॉल करेंगे। हाँ जी। राणा प्रताप सिंह आपको राउटरी की पूरी जानकारी देंगे। जी जी जी। आज ही की डेट में आपको प्राप्त करवाएंगे। ओके मैम, फिर ये पेमेंट आएगी कैसे, मेरे पास कैश भेजोगे या फिर आप मतलब क्या अकाउंट में डलवाओगे? हाँ जी बिल्कुल, अकाउंट में लेंगे, अकाउंट में मिल जाएगा, कैश देंगे कैश मिल जाएगा। आप ऐसा कीजिए, पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए ना, नोट करके राणा प्रताप सिंह को कॉल करें। ठीक है ठीक है, बताएं मेरे पास ऐसा नंबर बताओ। 777 777। एक मिनट, 777 777 900 900 554 554। मैम मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा क्या करूं, 25 लाख रुपए। क्या कह रहे हो मैम? नंबर रिपीट करूं? नंबर है 777 900 554। डबल सेवन है। एक मिनट मैम, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ ना मैं, एक मिनट, मैं फोन में नोट कर रहा हूँ नंबर। डबल सेवन 900 900 554 है। तो मैम इस पे मैम 777 700 900 554। सर आपने सबसे पहले ऐसा करना है, अपने व्हाट्सएप में नंबर को ऐड करना है, सेव करना है, व्हाट्सएप पे कॉल करना है। जैसे आप राणा प्रताप सिंह को कॉल करेंगे। मैम क्या नाम है इनका? राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह वो आपसे सबसे पहले आपका राउटरी नंबर पूछेंगे। अच्छा, अपना राउटरी नंबर अटैच करके लिख ले, 4 अंक का राउटरी नंबर है। मैम एक काम करो ना, आप मेरे को जो ये नंबर बता रहे हो आप, वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो आप। मैम मेरे पास सुविधा नहीं है ना इतने सारे, मैं तो किसी और का फोन मांग के यूज कर रहा हूँ, मेरे तो घर में भी फोन एक ही है, ये भी हमने लोन पे लिया है फोन भी। कुछ भी मेरी तो बात सुन लेते ना, ये जो आपका लॉटरी नंबर है, 4 अंक का लॉटरी नंबर है, 0087 0087। हाँ ठीक है मैम, आपका लॉटरी नंबर आपने राणा प्रताप सिंह को ये लॉटरी नंबर बता के जानकारी ले कर जाऊंगा। पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। मैम कहाँ से बात कर रहे हो आप? केबीसी। हाँ सर, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? मैम एक बार अमिताभ बच्चन से बात करवा दो। सॉरी सर, अमिताभ हमारे उनसे बात नहीं हो सकती है।
मैम अभिषेक बच्चन जी से करवा दो, मैम उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सारी पिक्चर देखता हूँ। क्या बोला तूने? वो करवा देंगे, ठीक है मैम। तो भाई ये इस तरीके से पागल बनाते हैं, और ये बेसिकली पाकिस्तान का नंबर है, और मैं भी रास्ते में आ रहा था, मैं केतन के पास आ रहा था और ये खड़ा भी, और हम यहाँ चाय पीने रुके हुए थे, एकदम से मेरे पास फोन आया, मैंने केतन जल्दी भाग गया, पाकिस्तान का नंबर है, देखो ऐसा अवेयर रहे इस चीज को लेके। अभी मैं जो राणा प्रताप सिंह जी है ना, सिंह जी कह रहा हूँ, जी तो लगाने नहीं चाहिए, इतनी इज्जत देनी नहीं चाहिए, तो इसको भी कॉल करूंगा, देखूंगा ये क्या कहता है क्या नहीं, और पता नहीं मेरे को कॉल करनी चाहिए नंबर, ये सेव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मेरे ख्याल से भी लोग क्या करेंगे, मुझसे डिटेल मांगेंगे, फिर ये लोग बोलेंगे आपको कुछ पैसे पे करने हैं, टैक्स वगैरह ये सब, उसके बाद फिर ये शायद, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड थी वो बहुत खुश हो रही थी, मेरी 25 लाख की लॉटरी लगी है, सेम सिचुएशन उसके साथ थी, और मैं भी एक बार देखूंगा ये क्या बोलते हैं क्या नहीं, और ये भाई मेरे को ये क्या बोलते हैं एक बार ये इंस्टाग्राम पे भेज दोगे ये। पापा 25 लाख की लॉटरी लग गई मेरी, पागल है 25 लाख रुपए, मम्मी मान ही नहीं रहे पापा, फोन अभी दिखाऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊं, दे रहा तुझे 25 लाख, कौन दे रहा पहले तो ये बता, कौन बनेगा करोड़पति से कॉल आया मेरे, अच्छा कौन बनेगा करोड़पति से, अभी पता है क्या हुआ, हमारे अमिताभ जी क्या रोज क्या कह रहे हैं, मुझे क्या पता क्या कह रहे हैं, कोई भी कॉल आती है तो फेक हो सकती है, मेरे पास ना फोन आया था, पूरा बताता हूँ आपको, ठीक है, इनको मैं बता चुका हूँ, आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, तो अभी मैं उनको दोबारा फोन कर रहा हूँ आपके आगे, उन्होंने एक नंबर दिया था, वो शायद इंडिया का नंबर है, तो उस कॉल पे मतलब उस नंबर पे कॉल करते हैं और देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर वो बताता है। 0087 लॉटरी नंबर है हमारा, भाई को कॉल करते हैं जरा, फेक जी सर मेरा लॉटरी नंबर है 0087। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लॉटरी को कैश करने के लिए अपने आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो, अपना एक फोटो और खाता नंबर सेंड करो, मैं आपको आगे की जानकारी बताता हूँ कि लॉटरी को कैसे किस तरीके से कैश करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, हमारी अमिताभ बच्चन जी से बात करवा दो। कुछ भी, क्या बोला तूने? काट काट दिया, दोबारा करते हैं फोन, बुरा मान गए सर, ये तो क्या सीन हो गया, उठावे ना, तो ये सीन है, देखा इसने क्या क्या मांगा है, पैन कार्ड, सॉरी आधार कार्ड, आगे पीछे की फोटो कॉपी, ठीक है, और अकाउंट नंबर, ये क्या क्या होते हैं, ये सारे सीखे सिखाए होते हैं, इनको सिखाया जाता है अच्छे से, और उसके बाद फिर ये बोलेंगे कि अपना टैक्स के आपका टैक्स कटेगा, इतने पैसे भेजने पड़ेंगे आपको 40,000 रुपए कुछ, तो उसके बाद फिर आपकी लंका लग जाएगी, और ये जो नंबर है ये पता नहीं कहाँ का, एक बार ट्रू कॉलर पे देखता हूँ ये नंबर है कहाँ का, वैसे मुंबई का बता रहे, और मेरे ख्याल से मुंबई का है नहीं ये नंबर ना, तो फेक जी का नंबर हमने डाला है स्पैम, तो इसमें ऑलरेडी लोग गुजरात दिखा रहा है, ये देखो गुजरात, और ये देखो फेक, मैंने फेक जी के नाम से, और यहाँ पे देखो फेक लॉटरी डील, इस बंदे का असली नाम जो है वो है बिट्टू प्रसाद, तो इस मैं आपको एक बार और नंबर दिखा देता हूँ जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया था, ये देखो, तो ये नंबर है वो जो जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया, +92 30, ये देखो मैं स्क्रीन पे चला दूंगा जिस नंबर +92, मैं स्क्रीन पे चला दूंगा नंबर है जो मेरे पास आया, और मैं यही बोलूं प्लीज अवेयर रहे और लालच के चक्कर में ना पड़े, कभी आप समझेगी भाई केबीसी क्यों देगा लॉटरी, खुद सोचो आप ये बात है ना, तो बहुत से फिर भी पागल बन जाते हैं, और मतलब लालच के चक्कर में सभी को पैसे चाहिए होते हैं, और लालच के चक्कर में पूरी एक डिंडोरा सीरीज निकाल दी हमारे बीबी की वाइंस ने, भुवन बाम ने, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, तो वो ये कि लालच में यार मत पड़ो, ये सब धोखाधड़ी है, अब इसमें लालच कह लो या फिर जरूरत क्या, लोगों को जरूरत भी होती है पैसे की, बट ये एक जरूरत के चक्कर में लालच में ना पड़ो, पापा क्या बोलते हो?
बिल्कुल फेक है, और ना पड़े तो अच्छी बात है। हमारे पहले भी 5-6 हजार रुपए लग चुके हैं। मतलब आप लालच चुके हो लालची। अमित के लगे थे। चलो मेरे मामा ने पैसे दे दिए। तो अमित मेरे मामा है एक्चुअल में, और 8-9 हजार रुपए लग गए थे। उन्होंने भी सेम ऐसी करा था। तो उनका तो यह आया था कि आपने ऐसे ऐसे करके कोई फॉर्म फिल करा था, उसमें आप क्या जीत गए हो, गाड़ी कार आ गई, गाड़ी जीत गए हो। उन्होंने पूरे रिश्तेदारों में सबको बता दिया ऐसे ऐसे करके कि वही है, लालच के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो यही बोलूंगा, और ऐसे लोगों से अवेयर रहो। एक बार और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा स्पैम करो, ब्लॉक करवाओ इस नंबर को, ठीक है। तो वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एम यही था कि आप लोग थोड़े से अवेयर रहो, ऐसी चीजों से बचे रहो, क्योंकि यार का टाइम कह रहा हूँ, कोरोना का टाइम है, बीमारियों का टाइम चल रहा है, और ऐसे में और फटके लगे ऐसे तो सही नहीं है। थोड़े दिन पहले एक हमारे विकास भैया नौकरी को लेके, उनको नौकरी की जरूरत थी, चक्कर में उन्होंने बोला कि इतने पैसे भरने हैं, ऐसे कर करके उन्होंने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उनके अकाउंट से 30-40 हजार रुपए निकाल ली। तो थोड़ा सा सेफ रहो, सिक्योर रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।